कृष्ण लीला से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग आता है जो काफी लोगों को पता होगा, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण ने एक कुबड़ी को अपने स्पर्श मात्र से उसका कुबड़ ठीक कर दिया था और उसे शाप से मुक्त करके उसका उद्धार किया था। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो कुबड़ी कौन थी और उसे किसने क्या श्राप दिया था। तो कहानी शुरू होती है देवराज इंद्र के दरबार से। देवराज इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उसमें से एक अप्सरा थी जिसका नाम था नयनतारा। नयनतारा नृत्य करने के साथ साथ अपनी आँखों से कुछ इशारे भी कर रही थी, जिसके कारण इंद्र उस पर मोहित हो गए और उसे अपनी प्रियसी बना लिया। उसी समय एक ऋषि जिनका नाम था ऋषि वज्रा, वो तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने उस अप्सरा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए धरती पर भेजा। अब नयनतारा ऋषि की तपस्या भंग करने में सफल तो हो गई, पर ऋषि ने क्रोधित होकर उसे राक्षसी बनने का श्राप दे दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऋषि ने तो राक्षसी बनने का श्राप दिया था, तो वो कुबड़ी कैसे बन गई? अभी पता चल जाएगा। उसके पहले ये जान लेते हैं कि उस कुबड़ी को प्रभु श्री कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त हुई और उसने अपना सुंदर अप्सरा का रूप पुनः कैसे प्राप्त किया। तो हुआ यूं कि प्रभु श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा आए थे। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और उनके कुछ मित्र भी आए थे। यूं ही चलते चलते उन्हें कहीं से अत्यंत मनमोहक सुगंध आई, तो वो सोचने लगे कि कहां से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। अपने दाऊ भैया से भी पूछा। दाऊ भैया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुगंध आ कहां से रही है। थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने एक कुबड़ी को देखा। वो अपने हाथ में कुछ लेकर कहीं जा रही थी। श्री कृष्ण ने उसका रास्ता रोक कर उससे पूछा कि तुम कौन हो सुंदरी और ये अपने हाथ में क्या लेकर जा रही हो जिसमें से इतनी मनमोहक सुगंध आ रही है। ये सुनकर वो भड़क गई कि आखिर एक कुरूप और कुबड़ी स्त्री को कोई सुंदरी कैसे कह सकता है। एक बार फिर श्री कृष्ण ने उसे छेड़ते हुए कहा कि कौन हो तुम सुंदरी जो गुस्से में और भी सुंदर लगती हो। इस बार ये सुनकर वो दुखी होकर रोने लगी और रोते रोते कृष्ण से बोली, आज तक बहुत लोगों ने मेरा उपहास किया है। मेरे इस विकृत शरीर को देखकर लोग मुझे ताने मारते हैं। मैं जहां से गुजरती हूँ लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो देखो कुब्जा जा रही है। और उनके तानों से बचने के लिए मैं छुप छुप कर गलियों से निकलती हूँ कि कहीं कोई मुझे देख ना ले और मेरा मजाक ना उड़ाए। लेकिन उनके ताने मैं सुन लेती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सत्य है। लेकिन आज तक किसी ने भी मुझे सुंदरी कहकर मेरे साथ इतना क्रूर उपहास नहीं किया। आखिर कौन हो तुम निर्दयी जिसने मेरे साथ इतना बड़ा उपहास किया। ये सुनकर कृष्ण ने कहा कि मैं किसी के शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा की सुंदरता को देखता हूँ और तुम्हारे अंदर एक बहुत ही सुंदर आत्मा है जो बाकी लोग नहीं देख सकते। आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे बुरे कर्मों के फल को भुगतने का समय अब खत्म हो चुका है और तुम्हें अब इस कुबड़े शरीर से भी मुक्ति मिल जाएगी। कुब्जा कृष्ण की बातें सुनकर भावुक होकर कहने लगी, मैं महाराज कंस की दासी हूँ और ये चंदन और अंगराग जो मेरे हाथों में है ये मैं उन्हीं के लिए लेकर जा रही हूँ। लेकिन तुम्हें देखने के बाद अब मेरे मन में एक ही इच्छा बची है कि ये चंदन और अंगराग मैं अपने हाथों से तुम्हें लगाऊं। ये कहकर उसने श्री कृष्ण के पैरों में चंदन से अलंकार किया। लेकिन जब वो कृष्ण के माथे पर टीका लगाने चली तो उसके कुबड़ शरीर के कारण वो श्री कृष्ण के माथे तक पहुंच नहीं पा रही थी। फिर प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और अपने पैरों से उसका पैर दबाया और अपने दूसरे हाथ की एक उंगली से उसकी ठोड़ी को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी पीठ को सीधा कर दिया और इसके बाद उसे श्राप से मुक्ति देकर पुनः उसका अप्सरा का रूप उसे प्रदान किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उन ऋषि के श्राप का क्या हुआ, तो उसके लिए हमें चलना होगा त्रेता युग में, जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ जंगल में वनवास काट रहे थे। उस समय रावण की बहन सूर्पनखा भगवान राम की सुंदरता पर इतनी आकर्षित हो गई कि उसने अत्यंत सुंदर महिला का रूप ले लिया और भगवान राम के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंच गई। इसके बाद सूर्पनखा के साथ क्या हुआ ये सबको पता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नयनतारा ने ही त्रेता युग में सूर्पनखा के रूप में रावण की बहन बनकर जन्म लिया था।
जब रावण का अंत हुआ तो सर्पनखा ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए पुष्कर में 10,000 वर्षों तक जल में खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की, जिससे शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। और ऐसा ही हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि शरीर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। अगर इंसान का मन सुंदर है तो वो ईश्वर को सबसे प्यारा होता है और हर कर्म का फल मिलता ही है, चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे। आप देख रहे हैं ज्ञानोहोलिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप और भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।